नमस्कार, मैं अश्वनी कुमार, आप सभी का स्वागत है बेबी की राइड चैनल पे। अभी हम हैं बिहार और यूपी को जोड़ने वाली ये गंडक नदी है, और ये अभी यहाँ आपको इस बगल दाहिने साइड में मेहरौना है जो बिहार यूपी बॉर्डर पे एक बड़ा सा पुल है, और अभी हम हैं गंडक नदी जो कि हिमालय पर्वत से निकल के चली है और माँ गंगा पटना में जाके मिलती है। और ये हमारे गृह जो जनपद है सिवान, और इधर बिहार और यूपी से सटे देवरिया जनपद है, और यहाँ पे हम यहाँ गंडक नदी जो है इसका आप जल देख सकते हैं, पूरा निर्मल जल जो कि हम आप सभी को दृश्य दिखाए हुए थे, आपको सब वहाँ संगम त्रिवेणी संगम और माँ गंगा यमुना सरस्वती तीनों का मिलन भी दिखाया हुआ था, लेकिन वहाँ पे इतना साफ सफाई इतना अत्याधुनिक मशीन के लगे होने के बावजूद भी काली मिट्टी के चलते पूरा ये नाला का पानी गिरने के कारण पूरा पानी जो है काला हो गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा जो है इसमें अभी आपको यहाँ तक जो नीचे अगर रेत है और जो भी घास फूस है इसमें आपको साफ दिखाई देगा, और इसमें कुछ मछलियाँ के छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे जो चल रहे हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं अभी घाट नहीं है, घाट नहीं बना है, लेकिन मिट्टी के आपको घाट उतरने के लिए यहाँ पे छठ घाट भी है। और अभी आपको हम एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिखा सकते हैं, आप भी अलग अलग जगहों से बिलोंग करते हैं और जाके अपने नदियों में देखिएगा काश ऐसा। देखिए यहाँ पे हम 5 रुपये का सिक्का लिए हुए हैं और इस नदी में डालते हैं देखिए, और आपको आसानी से, अच्छा चाचा आइए इधर, आपको ये 5 रुपये का सिक्का दिख रहा है ना, 5 रुपये का सिक्का दिख रहा है साफ है, देखिए 5 रुपये का सिक्का ये जो है आपको साफ साफ दिखाई देगा, और हमने अभी ये उठा लिया है, और आसानी से ऐसी गंगा जिसे हम माँ मानते हैं, जिसे हम इसके जल को ले जाके घरों में संभाल करके जल को रखते हैं, और मरते दम तक भी हमारे हिंदू रीति रिवाज के माना गया है कि मुंह में दिया जाता है गंगा जल को। आज हमारे साथ हैं यहाँ पे मेहरौना है, और चाचा वहाँ आप कहाँ रहते रहने वाले, चूड़िया गांव है यहाँ देवरिया जिला का लास्ट छोर पे है, और अभी आपका क्या नाम है चाचा, निसार अहमद। देखिए ये बोला गया है कि हिंदू जो है माँ मानते हैं गंगा को, और देवी देवता के धर्म स्थल पे जहाँ पे यहाँ पे छठ पूजा होता है, यहाँ पीपल का वृक्ष है, और निसार अहमद चाचा है यहाँ पे जो अहमद चाचा है ये डेली आके यहाँ इस माँ गंगा में स्नान करते हैं, आप यहाँ पे आके डेली स्नान करते हैं। शायद हम भी हिंदू हैं, और ऐसे में हम शायद कभी कभार जो है जाके माँ गंगा में नहाना होता है, समय ना मिलने के कारण अभाव में आदमी नहीं नहाता है, लेकिन यहाँ पे चाचा जो है यहाँ पे गांव में रहते हैं और डेली गांव से 2-3 किलोमीटर चल के और यहाँ पे आके माँ गंगा में स्नान करते हैं। अच्छा इसमें तो चाचा नावें चलती हैं, छोटी नावें चलती मछली मार रहे हैं, अच्छा होते हैं ना जी, वही चला के अभी लाया था, इतनी बड़ी मछली मारा था, अच्छा देश के तो इस नदी को शहर जोड़ने वाला इधर कौन है, शहर तो कोई इधर इधर बिहार में उठनी है तो वहाँ छोटी नाव चलती है, छोटी नाव चलती है इसके, इसमें जो है अलग अलग जगहों पे घाट बनाया गया है जहाँ पे शमशान घाट बनाया गया है, लोग दाह संस्कार वहाँ पे करने आते हैं, और यहाँ पे आगे दरौनी होगा, ये इधर चला जाता है पटना के तरफ, और इधर आता है आपको हिमालय से निकल के और नेपाल के तरफ से, और बिहार यूपी दोनों जोड़ते हुए इधर से निकलता है। चलिए आज हम थे यहाँ पे, और इस गंगा को और ये गंडक नदी चाहे जो भी है, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो चलाए विकास गंगा के लिए कि साफ़ सुथरा गंगा रखना चाहिए, इस गंगा को साफ करने के लिए यहाँ पे जो ये गंडक नदी आप देख रहे हैं यहाँ पे ना कोई सरकार की व्यवस्था ना कोई यहाँ पे अत्याधुनिक मशीन, उसके बावजूद भी
ये लोग जो गांव में निवास करते हैं ये लोग संभाल के रखे हुए हैं, और इसमें न नाला न कूड़ा कचरा और ये सब नहीं फैला होता है। लेकिन इसे हमें संभाल के रखना है, जहां कहीं भी नदी नाला हो उसको संभाल के रखना है। और ऐसे ही हम लोग अपने पर्यावरण, जो प्राकृतिक पर्यावरण है, जो भी पेड़ पौधा है, उसे बचा के रखना है। इसलिए कि ये सब अब विलुप्त होता जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसका जल जो है, इस समय आप भी आइएगा, ये धूप पूरा, अभी गर्मी का मौसम मार्च महीना है, 24 तारीख है, पूरा अभी 2 बज रहा है ना, 2:30 बज रहा है, और पूरा नहाने का इच्छा कर रहा है कि इसमें नहा लिया जाए। लेकिन क्या कीजिएगा, यहाँ पे व्यवस्था की कमी है और पूरा संसाधन नहीं है कि हम लोग कपड़े रहता तो अगर नहा लेते। लेकिन चलिए, ऐसे आप लोग भी अपने अगल बगल जो भी नदी नाला है, नाला को ना बहने दीजिए इसमें, जहाँ तक प्रयास हो। देखिए, लोग बोलते हैं कि हम अकेले क्या करेंगे, अकेले अगर आप आवाज़ उठाएंगे, हर जगह इस समय सोशल मीडिया है, आपके पास आज़ादी है, सोशल मीडिया पे आप कुछ भी इस पे डाल सकते हैं, और आप सब भी अपने अगल बगल जो भी नाला गिरता हुआ है, नदी में, समुद्र के तरफ आप हैं, वहाँ पे भी, समुद्र में भी तमाम हर शहर के जो है नाले गिरते हैं, महानगर जो हमारे कोलकाता है, यहाँ पे मुंबई है, ये हर जगह के नाले समुद्र में भी गिरते हैं। और देखिए, अभी हम चलिए फिर ऐसे ही हम लोग अभी चुनावी यात्रा में निकले हुए हैं, और आप लोगों को अलग अलग जगहों का जरूर यहाँ पे लोगों से परिचय कराएंगे, अलग अलग दृश्य आप लोगों को देखने को मिलेगा। और यहाँ पे हमारे साथ चाचा है, आप नहा लिए हैं? अभी नहाया। अच्छा, अभी नहाए। अच्छा चाचा, यहाँ पे चुनाव आया है तो आप लोगों के यहाँ किसका समीकरण बन रहा है? अभी तो मैं बाहर रहता हूँ, मैं अच्छा अभी मालूम नहीं है। अच्छा, वोट दे के ही जाइएगा ना? हाँ, तो वोट दे के जाइएगा। कब है? मई में है ना, इधर लास्ट अंतिम चरण में है। चलिए ठीक है, लेकिन हम लोग का लोकतंत्र का ये जो महापर्व है, इसको जरूर वोट देना जरूरी है। हाँ, जो विकास करे उसको वोट देना है। चलिए ठीक है, ऐसे ही चुनावी यात्रा हम लोगों की आगे प्रारंभ रहेगी, और आप सभी ऐसे ही सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल वीवी की राइड, और आप सभी लाइक कीजिए इस वीडियो को, आगे शेयर कीजिएगा, ताकि हम लोग आपसे हमेशा जुड़े रहें। चलिए फिर मिलते हैं आगे, मैं अश्वनी कुमार, धन्यवाद।